भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर 2021 को आठवां नवाचार दिवस यानी इनोवेशन डे मनाया। इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग इंडिया स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन भारत अपनी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धता को पूरा करने और इन प्रतिबद्धों से अधिक बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है। स्वीडन का उद्देश्य वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने से 50 नकारात्मक शुद्ध उत्सर्जन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले इंडस्ट्री ट्रांजिशन कार्यक्रम यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन में भारत और स्वीडन का एक साथ है। हाइब्रिड ग्रीन स्टील के लॉन्च कर नवाचार का प्रभाव दोनों देशों पर पड़ेगा, जो वैश्विक ग्रीन हाउस और गैर उत्सर्जन का लाभ 30% तक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान व नवाचार। भारत स्वीडन नवाचार सहयोग भारत स्वीडन नवाचार भागीदारी और संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है। वर्ष 2018 में स्मार्ट शहरों नवाचार और अगली पीढ़ी के परिवहन को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम योजना पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से पहले से ही इनक्यूबेटर कनेक्टर, डिजिटल हेल्थ केयर और ग्लोबल बायो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वीडिश भागीदारों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे जैव विविधता प्रविधित्व क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है। सर्कुलर इकोनॉमी पर विचार। दोनों देशों ने चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी पर एक नए संयुक्त कार्य योजना का आह्वान किया, जिसमें स्वास्थ्य विज्ञान और वेस्ट टू हेल्थ जैसे विषय शामिल थे। सर्कुलर इकोनॉमी में जैसे भारत बाजार में शामिल है, जो उत्पादों को स्क्रैप करने और फिर नए उत्पादन को उपयोग में लाने के पुनर्उपयोग के लिए प्रोत्साहन देते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन संगठन तथा बुजुर्गों की देखभाल करने के प्रावधान जैसे व्यापक विषयों पर 2021-22 में नई योजना शुरू कर सहमति व्यक्त की। भारत स्वीडन संबंध क्या है? राजनीतिक संबंध देखें तो वर्ष 1948 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और दशकों से लगातार मजबूत स्थिति में है। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड आइसलैंड और डेनमार्क 2018 में स्वीडन में आयोजित किया गया। स्वीडन ने नवंबर 2020 में भारत की सह अध्यक्षता में प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक यानी एस्टोनिया लातविया और लिथुनिया सहित कॉन्सिलियम में भाग लिया। बहुपक्षीय जुड़ाव। भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से लीडरशिप और ऑन द रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया। 1980 में दशक में भारत ने और स्वीडन ने सिक्स नेशन पीस समिट के फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निस्त्रीकरण के मुद्दों पर एक साथ काम किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत और स्वीडन मानवीय मामलों पर एक वार्षिक संयुक्त व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2013 में स्वीडिश प्रेसिडेंसी के दौरान भारत किरुना मंत्री स्तरीय बैठक में एक परिषद के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ। आर्थिक और वाणिज्य संबंध। एशिया में चीन जापान के बाद भारत स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 3 बिलियन अमेरिका डॉलर या 2016 के डाटा के अनुसार बढ़कर 4.5 बिलियन अमेरिका डॉलर 2019 के डाटा के अनुसार हो गया है। रक्षा और एयरोस्पेस। यह अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी नवाचार और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग पर प्रकाश डालता है। क्या हो इसमें आगे की राह। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते स्वीडन यूरोपीय संघ का और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सामरिक जुड़ाव, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, परिदृश्य, पारिवारिक रूप से लाभकारी पद्धति के लिए साझा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलने की संभावना है। मार्च 2021 के शिखर सम्मेलन में के बाद नई दिल्ली और स्टॉकहोम में बीच राजनीतिक हितों में सम्मेलन की संचालित गतिविधियों में क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से कोविड-19 के भू राजनीतिक कूटनीति और परिभाषा करने में एक त्रुटिहीन प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से 2023